तो यही नमस्कार दोस्तों आप देख रहे मैं आपके साथ बिकौरिया वीडियो देखकर लास्ट अभी आज ही है मैंने अभी जस्ट अपलोड करा है अपना रिवाइंड वीडियो एंड रिस्पॉन्स अच्छा आया है एंड काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया छः घंटे लग गए एडिटिंग में बट हो गई आखिरकार एडिटिंग एंड अभी जो है सोच रहा हूँ कि कल एक लाइव स्ट्रीम कर लूँ या फिर ये वाला ब्लॉप डाल देंगे एंड वैसे मेहनत बहुत करनी पड़ी अरे एंड बहुत सारी जगहों पे क्योंकि फुटेज रखी हुई थी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल गई हमें फुटेज पहले तो मेरी ये हार्ड ड्राइव है ठीक है ये इस हार्ड ड्राइव में ये तीन टी वी हार्ड ड्राइव है इसमें ज्यादातर फुटेज रहती है मेरी ये इसमें मुझे मतलब नाइन्टी परसेंट ऑफ द फुटेज मिल गई थी बाकी की जो फुटेज थी वो इसमें थी कंपनी नहीं दिखा सकते ठीक है सो ये थी इसमें थी फुटेज और प्लस बाकी जितनी थी वो इसमें थी मेरे पी में सो so, काफ़ी मुश्किल रहा मतलब ऐसे सारे फुटेज को उठा उठा के सब कुछ करना बट ये फाइनल तरीके से हो ही गया एंड आजकल मैं पता अपने कैमरा को यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ जब से आए मतलब फ़ोन आ गया तब से कैमरा यूज़ ही नहीं हो पाया है क्या करा जाए अब फोन से ही करते रहते हैं ठंड बहुत हो रही है आजकल अरे एंड जस्ट गर्म ही कर रहा था पानी अरे एंड यही काम रह गया आज डे और अभी जस्ट मैं ऑन कर रहा हूँ की क्लास है एंड यहाँ क्लास करवाते हैं एंड आज मैं तुम लोगों को सोच रहा हूँ ब्रेकडाउन दे दूँ अपने वीडियोस का कि कैसे मैं एडिट करता हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था मुझसे कि आखिर मैं वीडियोस एडिट कैसे करता हूँ सो so, आज का वो वीडियो बना के डाल देते हैं ना so काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आखिर मैं जो हूँ एडिटिंग मतलब अपनी एडिटिंग किस तरीके से किस तरीके से करता हूँ सो एडिटिंग में आज बताने वाला हूँ आपको कि मैं एडिट कैसे करता हूँ अपनी वीडियोस को ठीक है सो प्रेमियर खोल लेते हैं प्रोजेक्ट्स मैं अपने इसी फोल्डर में रखता हूँ एक फ़ोल्डर में ओके लास्ट वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब रिवाइंड के ऊपर ठीक है so, सो ये है उसका प्रोजेक्ट ठीक है सो इसको ओपन करते हैं एंड uh, मैं बता दूँ मैं यूज़ करता हूँ अडोबे Premiere प्रो फॉर एडिटिंग ओके एंड एडिटिंग मतलब ये सबसे बेस्ट कह लो या फिर क्या कह लो यार पता नहीं मतलब मैं मेरा हाथ सेट है इस सॉफ्टवेयर पे सो so मैं इसी को यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम जब भी मुझे एडिटिंग करनी होती है हाँ हालाँकि अगर मान लो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मुझे यूज़ करना पड़ जाता है फिल्मोरा को भी अभी देखो मेरा पीछे वो ओ बी भी चल रहा है तो मैं इसको जो हूँ वन फोर्थ कर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए ओके सो दिस इज़ दी एडिटिंग ऑफ माई लास्ट प्रोजेक्ट ठीक है ये तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था मतलब इतनी सारी उसको मुझे जो है ढूंढना पड़ा था अपनी हार्ड से एंड देन जाके मुझे जो है ये सारे मिले थे एंड मैंने सबको लाकर जो है एक में रखा था एंड uh, ये जो है ये मतलब मुश्किल थी एडिटिंग बट कर ली थी देखो कितने सारे लेयर्स लेयर, लेयर बाय लेयर एडिटिंग कर रही है मैंने एंड uh, इसमें टाइम लग गया था अच्छा खासा सा so, सो अभी मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट वीडियो यही है सबसे पहले देख लो तुम लोग ठीक है ये है पहला वीडियो नॉर्मल वीडियो है ये ओके देन okay, आता है ये ये सीक्वेंस ओके okay, अब ये सीक्वेंस कैसे बनाया है मैंने ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो ये है ये सीक्वेंस नेस्टेड सीक्वेंस अभी यहाँ पर ये तीन वो हैं हमारे तीन लेयर हैं पहली जो लेयर है आपकी ये वाली ये हमारा माई यूट्यूब रिवाइंड ये टेक्स्ट है यहाँ पर फाइल में जाके आप बना सकते हो ऐसे साइड में फाइल का ऑप्शन आता है फाइल में न्यू में जाके आप एड लेगेसी टाइटल बना सकते हो ठीक है सो ये पहली है दूसरी है तीसरी है इसको तीनों को मैंने जो है अपने म्यूज़िक के हिसाब से रखा है सो ये कुछ ऐसा आ रहा है अभी ये हो गया था हमारा ए, लेगेसी टाइटल अब यहाँ पर ये नेस्टेड सीक्वेंस है यहाँ पर हमने जितने भी नमस्कार दोस्तों वाला जो वो है उस सब के कट हमने जो है रख दिए हैं एक साथ ठीक है जस्ट सिंपल है नेस्ट करा और बस यहाँ पर पटक दिया ला कर सर यहाँ पर ये यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये कैसे करा तुमने सो so, ये ये साउंड जो आती है ना ये एक पैक है वूश साउंड इफ़ेक्ट पैक है ये पूरा डाउनलोड करना चाहो इंटरनेट में बहुत मिल जाएंगे ठीक है सो साउंड इफेक्ट पैक है ये वो डाउनलोड कर लो तो so, उससे जो है ये होता है कि पूरा उससे ही हुआ है ठीक है so, सो ये कुछ ऐसा साउंड करता है ये सिंपल सा ओके एंड बाकी हमने जो है अलग अलग कट कर करके जो है हमने जो है यहाँ पर लगा दिए हैं बहुत सारे वीडियोस को कट कर कर के करके कर 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 जिसको करके वीडियो हमें ऑडियो चाहिए था जिन जिन वीडियो का उनका रहने दिया मैंने बाकी सबका ऑडियो डिलीट कर दिया देखो ऑडियो डिलीट कर दिया है ऑडियो डिलीट करने के लिए जस्ट यहाँ पर क्लिक करो सिंपल यहाँ राइट क्लिक करा अन अल, अनलिंक पर जाए ठीक है ऑडियो अनलिंक हो गया ठीक है अभी इस ऑडियो को सेलेक्ट करा इसके नीचे वाला और डिलीट कर दिया ओके एंड शॉर्टकट कीज होती हैं कुछ बहुत सारी वो तो तुम सीख लेना मतलब ऐसे ही मतलब तो बहुत सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे ठीक है अगर चाहते हो कि मैं पूरा एक इन डेप्थ प्रीमियर के ऊपर पूरा वो लेकर आऊँ सो कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में कि मुझे प्रीमियर के ऊपर पूरा बनाना चाहिए क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा बट ये है अभी ये एक वॉइस ओवर था ये एक सिंपल सा वॉइस ओवर था यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था ये सिंपल सा वॉइस ओवर था ऑड में हमने एडिट करा था ऑड जानते ही हो गए क्या है सॉफ्टवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना इसमें ही एडिट होता है ऑडियो ठीक है ऑडियो एडिट करके यहाँ पर लगा दी थी फिर हमने वापस से यही वही चीज़ें करनी शुरू कर दी थी एंड यही पूरा जो है चलता चला गया अब अच्छा ये बात तो आती है मेरे रिवाइंड वीडियो की जिसमें सब कुछ एडिटिंग पहले से ही था एडिटेड पहले से ही था एंड मैंने जो है बाद में उसको जो है एडिट करा मतलब बैठ के है ना अगर बात करी जाए किसी और वीडियोस की और मैं बीरोल्स कैसे बनाता हूँ उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा अगर तुम लोग चाहते हो अगर मुझे एक भी कमेंट मिला ना कि वीडियो बनाओ तुम कैसे बीरोल अपने एडिट करते हो और कैसे सिनेमैटिक्स एडिट करते हो सो so, उसके ऊपर जो है अलग से वीडियो बना देंगे एंड वो बनाएंगे अगर तुम लोगों की चाहत होगी है ना एंड अभी के लिए जस्ट यही चीज़ चली है ठीक है सेम वही सब कुछ चल रहा है चल रहा है चल रहा है सेम 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 एडिट करते 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 हमने कर दिया अब बात आती है यहाँ पर ये जो फेड आया है क्योंकि प्रीमियर में फेडिंग एडिंग तो होती है नहीं इतनी आसानी से तो फेड करने के लिए तुमको क्या करना होता है यहाँ पर आना इस पे है इस पर क्लिक करना है इफ़ेक्ट कंट्रोल पर आना है ठीक है और ये जो स्लाइडर है ना इसको सबसे पहले ले कर जाना है ठीक है ओपेसिटी के ये ध्यान रखना इस पर टिक लगा हो और पूरा तरह से ज़ीरो कर देनी है ठीक है अब यहाँ पर आना है और इसको वापस हंड्रेड कर देना है ठीक है जैसे ही हंड्रेड करोगे अपने आप ही जो है यहाँ पर जो है एक वो लग जाएगा तुम्हारा की फ्रेम अब बिल्कुल लास्ट केस थोड़ा सा पहले जाना है यहाँ पर इसको दबाना है जिससे हंड्रेड वहीं पर रुक जाए ठीक है एंड वापस से लास्ट में जाना है बिल्कुल और वापस जीरो कर देना है सिंपल ठीक है ऐसा ही हमने ये सब के साथ करा है ठीक है ये सारे के साथ करा है सो ये पूरा बन के आया है इस तरीके से कुछ है? दिस इज़ दी ब्लैक स्क्रीन ब्लैक वीडियो सिंपल सा ठीक है जिसपे मेरा जो आउटरो होता है जो क्या बोलते हैं एंड स्क्रीन्स एंड स्क्रीनस वो वो आती हैं ब्लैक वीडियो है जस्ट सिंपल सा एंड यही थी मेरी पूरी उसकी एडिटिंग भाई साहब टाइम लग गया इसको करने में बिकॉज डेटा फाइंड करना मुश्किल हो रहा था एंड डेटा uh, जब मिल गया तो एडिट करना तो मुश्किल नहीं था इतना बट uh, तब भी यार है ना एंड uh, अब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा लाइट गई ओ <laughs> तो, है क्या बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देखो तो सब्सक्राइब कर लो पहले बोल लो ठीक है एंड सब्सक्राइब कर लो यार फ्यूचर में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मैंने जो हैं सोच के रखे हैं कि हाँ मैं बनाऊँगा एंड uh, वो प्रोजेक्ट्स होंगे जरूर पूरे होंगे ही होंगे प्यार दिखाते रहो यार ऐसे ही एंड जल्दी से हज़ार सब्सक्राइबर करवा दो पूरे एंड जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो अगले साल तक हो ही जाएंगे एंड यार यही बोलना था एंड मेहनत लगती है यार ऐसे ही थोड़ी बन जाता है कोई भी वीडियो एंड चार चार छः से घंटे बैठ के एडिट करना और पाँच पाँच आठ आठ घंटे शूट करना आसान नहीं है एंड मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है बिकॉज़ एकेडमिक्स मेरे असर पड़ता है एकेडमिक्स पे भी सो so, अगर चाहते हो कि प्रीमियर के ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो मैं चाहता हूँ बना दूँ लेकिन अगर चाहते हो कि इन डेप्थ वीडियो तुम्हें चाहिए प्रीमियर अगर असलियत में सीखना है ठीक है सो so, मैं एक ट्यूटोरियल तो बना सकता हूँ ठीक है आधे घंटे या एक घंटे का करीब या लाइव स्ट्रीम कर देंगे सो so, वो बता देना कमेंट कर देना जरूर कमेंट कर देना बिकॉज कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा सबके ठीक है एंड जिसको भी चाहिए अगर प्रीमियर पे तो कमेंट कर देना अगर बी रोल चाहिए कि मैं बी रोल कैसे एडिट करता हूँ अपने मतलब जो सिनेमैटिक्स होते हैं मेरे वो अगर एडिटिंग देखनी है तो वो भी मुझसे कमेंट कर देना उसका भी वीडियो बना देंगे जैसा तुम लोग कहोगे वैसे ही कर देंगे एंड आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक दिस वीडियो शेयर इट थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड